दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेंड विद अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूं। इसके आधार पर कोई डिसीजन ना करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करें। दूसरी बात है, चूंकि यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का बार बार डिमांड आ रहा था कि रतन इंडिया पावर पर वीडियो बनाइए। रतन इंडिया पावर पर मैंने फुल एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटली चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और उसी के लिए यह वीडियो मैं बनाया हूं स्पेशली। इसके बाद आपका व्यू हो सकता है कि चेंज हो जाए। दोस्तों रतन इंडिया पावर लिमिटेड का वीडियो लगभग मैंने 2.5 रुपए के आसपास बनाई थी, जिसके बाद 4.5 रुपए तक गया था, उसके बाद धीरे धीरे गिरते गिरते यह पुनः लगभग 2.5 रुपए के आसपास आ गया है। रतन इंडिया पावर लिमिटेड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड मूल रूप से थर्मल पावर जनरेशन और सोलर पावर जनरेशन में काम करती है। थर्मल पावर जनरेशन इसका दो प्लांट मूल रूप से है, वो अमरावती और नासिक में है। बाकी सोलर पावर में इंडिया के डिफरेंट पोजिशन में, डिफरेंट एरिया में, अलग अलग जगह पे इसका काम है। इस सब कि पूरी जानकारी के लिए अभी आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है इसके फुल एनालिसिस वीडियो का, उसको जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा पूरा जानकारी मिल जाए। अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो करंट में इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं और इसमें जो फंडामेंटली कुछ चेंजेज हुए हैं उस पर बात करने वाले हैं ताकि आप इसको अपडेट ले लें। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फाइनेंशियल ओवरव्यू कर लें कि अभी कंपनी लगभग 1300 के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही है और जो वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको लगभग 19.5 लाख शेयर का ट्रेड हुआ है। आगे मैं आपको बात करूं, जो मूल रूप से एक चेंजेज आपको दिख रहा होगा, प्रमोटर ने यहां हिस्सेदारी बढ़ाई है। 39% के आसपास पहले थी, जो अब लगभग 44% हो गई है, 44.19%। यह एक महत्वपूर्ण चेंजेज है, इस पर मैं अभी बात करूंगा। साथ ही साथ आप सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा इंडिकेटर बता दूं, फाइनेंशियल इंडिकेटर। देखिए जैसा कि इसका 52 वीक लो दिख रहा होगा 1.08 रुपया के आसपास और 52 वीक हाई 4.48 रुपया के आसपास है। अभी करेंटली 2.60 रुपया के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। देखिए कोई भी स्टील प्लांट होती है, पावर प्लांट होती है, इसमें बुक वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको हर से तर के कंपनी के लिए बुक वैल्यू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं एनालिसिस में, लेकिन पावर सेक्टर की कंपनी के लिए बुक वैल्यू एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका बुक वैल्यू 9.71 रुपया के आसपास है और कंपनी जो है 2.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। तो कंपनी लगभग बुक वैल्यू के हिसाब से आप बात करें तो लगभग 75% डिस्काउंट पे चल रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस पैरामीटर को देख के हम इसमें निवेश करने का या खरीदने का आपको बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए। अभी आगे और देखते हैं क्या मैटर है। तो सबसे पहला बात है कि कंपनी आपको 75% डिस्काउंट पे मिल रही है। कंपनी के पास 113 करोड़ का कर्ज कैश मौजूद है, लेकिन कंपनी के पास अभी भी 5490 करोड़ रुपया का डेट है। अब 5490 करोड़ रुपया एक बड़ा डेट होता है और कंपनी इसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए प्रयासरत है। कंपनी जो नासिक पावर प्लांट है और इसका अमरावती पावर प्लांट है, उसमें एक प्लांट का ऑलरेडी सक्सेसफुली इसने डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया था, दूसरा प्लांट जो है उसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग अंडर प्रोसेस है। अगर वो भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसा कि कंपनी का प्लान है वैसा हो जाता है तो भविष्य में कंपनी में बहुत सारा वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है। अब इसके बाद एक स्पेशल चीज देखिए कि कंपनी का आरओई 57.5% के आसपास है, जो बहुत अच्छा माना जाता है, और आरओसी 34% के आसपास है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या यह कंपनी कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन किया है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आगे मैं आपको ले चलता हूं इसके वैल्यूएशन पे, जहां आपको पता चलेगा। देखिए यह आरओई का चार्ट है,
तो अगर 5 साल का आरओई इसका देखे एवरेज आरओई तो -9% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना इक्विटी है उस पर कंपनी लंबे टाइम में क्या शेयर होल्डर को कमा के दी है, तो न कुछ नहीं दी है। 9% ईयर ऑन ईयर उसका डिप्रिसिएशन हुआ है पैसे का, तो ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही बेकार है। अगर 3 साल का भी एवरेज देखें तो 12.5% माइनस में आरओई है, वो भी बहुत ही बेकार कहा जा सकता है। लेकिन पिछले 1 साल में आपका 57.5% के आसपास आपको यहाँ आरओई दिख रहा है, तो आरओई में इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि इसने डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, जिसका फुल एनालिसिस वीडियो जो मैं लिंक में डालूंगा उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें भी 5 साल का देखेंगे तो 7% के आसपास है, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 3 साल का एवरेज भी देखेंगे तो 7.5% है, इसको भी मैं अच्छा नहीं मानता हूं। लेकिन पिछले 1 साल में ये भी इंप्रूव हुआ है और 34% के आसपास हुआ है, जो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अर्थात पिछले 1 साल में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधरा है। तो इसका कारण मैंने आपको बार बार बता दिया कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया था, जो इसका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हुआ है, सिर्फ ये कारण है कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरा है। अब आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें, प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा है आपका, 5 साल में 50% के आसपास ग्रोथ है, 3 साल में 99% के आसपास, और पिछले 1 साल में 168% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, जो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। तो इस पैरामीटर पे भी कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को संतुष्ट करती हुई नजर आ रही है। डेट इक्विटी रेशियो 1.16 है। आपको मालूम है कि डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लेस देन वन डेट इक्विटी रेशियो जिसका होता है उसको मैं स्पेशली प्रेफर करता हूं। लेकिन अगर इसका फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी का हो जाता है जो प्रमोटर करना चाहती है और अंडर कंसिडरेशन है, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो भी 1 के आसपास हो जाएगा या 1 से नीचे चला जाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया आपका प्रमोटर होल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे मार्च 2020 में प्रमोटर होल्डिंग 39.33% के आसपास था, अभी मार्च 2021 में होल्डिंग 44.19% के आसपास हो गया। ये प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, ओपन मार्केट से प्रमोटर ने परचेज किया है, उसका भी डाटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे खराब बात इसमें जो है वो ये है कि कंपनी प्रमोटर का लगभग 88% शेयर प्लेज है। अब आप देखें 39% का 86% प्लेज होना और 44% का 88% प्लेज होना, दोनों में बहुत अंतर है, मतलब प्लेज कंपनी का काफी बढ़ गया है और ये बहुत ही खतरनाक साइन है। प्लेज जब प्रमोटर करता है, एक तरफ कंपनी पर अपने हिस्सेदारी को प्लेस कर रहा है, साथ साथ हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, ये बात मेरे समझ से बाहर की बात है और ये एक थोड़ा सा संदेह पैदा करता है इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ देखिए DII की बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, 15% के आसपास है, और FII बहुत ही मामूली रह गया है, मात्र 0.16% के आसपास रह गया है। अब आपको ले चलो उस न्यूज पे जहां पे आप देखेंगे कि कब ये प्रमोटर हिस्सेदारी, देखिए 11 फरवरी को RR इंफ्रालैंड जो इसका प्रमोटर ग्रुप है उसने लगभग 43 करोड़ के आसपास शेयर ओपन मार्केट से बाई किया था, जिसके बाद इसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो ये आपको दिख रहा है कि बाई किया है, लेकिन इसका सबसे खराब चीज जो है वो ये है कि देखिए यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाया और पहले इसने हिस्सेदारी बढ़ाया है, उसके बाद उस शेयर को दोबारा से इसने फरवरी में हिस्सेदारी बढ़ाया और मार्च में इसने उस शेयर को प्लेस कर दिया, और प्लेस काफी बड़ी संख्या में कर दिया है जो लगभग 86% के आसपास है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और अभी हम देख रहे होंगे कि टिकर टेप साइट पे हैं, तो टिकर टेप साइट मानती है कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई हो गई है और कंपनी जो ये सब हरकतें करती है इसके हिसाब से क्वालिटी चेक में भी यह पुअर है, ग्रोथ स्कोर भी इसकी अच्छी नहीं है। तो कंपनी में ये दो चेंजेस हुए हैं, पहला तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा है,
और दूसरा फ्लैट शेयर भी बढ़ा है, तो ये बहुत ही बेकार है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से आप देखें तो मात्र 14% ही प्रमोटर इसमें है, अगर प्लेज को निकाल दे तो ये समझने वाली बात है और इस पे आपको गौर करना चाहिए। देखिए जिस समय मैंने 2.5 रुपए के आसपास में और पूरा एनालिसिस करके मैंने आपको बोला था कि इसमें खरीदना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर इसका डेट रिस्ट्रक्चर हो जाता है तब तो एक वैल्यू बाई हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अब रिस्क काफी बढ़ गया है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अगर इस शेयर में खरीदना है तो उनको कम खरीदना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क काफी बढ़ गया है और इस बात का आप ध्यान रखें। अभी भी मैं बिल्कुल इस शेयर को नहीं छोड़ने वाला हूं, थोड़ा इसमें निवेश होना ही चाहिए लेकिन बहुत ही कम होना चाहिए, जैसे जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता घटता है उसके हिसाब से अपनी होल्डिंग भी होनी चाहिए। तो ये मेरा इस शेयर पे व्यू था और इसके साथ मैं बोलूंगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों को सही लगती होगी, अच्छा लगता होगा, तो आप कम से कम इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है। और दूसरा, अगर कोई शेयर पे आपको व्यू चाहिए तो उसका भी कमेंट करिए, समय मिलते ही मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एनालिसिस लेके आऊं, अपना विचार आपको पहुंचाऊं। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला हो या जो अपने ब्रोकर से दुखी हो, वो एलआईसी ब्लू में दिए गए, एलआईसी ब्लू का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे अपना अकाउंट खोल के आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि लोगों का भी भला हो और बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आपका अंजनी कुमार, नमस्कार।